आज जब हम सभी 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए ईमानदार कोशिश कर रहे हैं, तब देश की राजधानी को गवर्नेंस के मॉडल का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। साथियों, आजादी के बाद से हमारे देश में चार राजनीतिक परंपराएं, चार राजनीतिक कल्चर देखे गए हैं। पहला नामपंथी, जिनके लिए वंश और विरासत का नाम यही उनका विजन है। पहला नामपंथी, दूसरा वामपंथी, जिनके लिए विदेशी विचार, विदेशी व्यवहार यही उनकी रोजी रोटी है, यही उनका विजन है। तो पहला नामपंथी, दूसरा वामपंथी और तीसरा दाम और दमनपंथी, जिनके लिए गुंडा तंत्र, गणतंत्र यही उनके गणतंत्र की परिभाषा है। पहला नामपंथी, दूसरा वामपंथी, तीसरा दाम और दमनपंथी और चौथा है विकासपंथी, जिनके लिए सबका साथ सबका विकास ही सर्वोपरि है। भाइयों और बहनों, लेकिन दिल्ली देश का वो इकलौता राज्य है जिसने पॉलिटिकल कल्चर का एक पांचवा मॉडल भी देखा। ये पांचवा मॉडल है नाकामपंथी। ये पांचवा मॉडल है नाकामपंथी, यानी जो दिल्ली के विकास से जुड़े हर काम को ना कहते हैं और जो काम करने की कोशिश भी करते हैं उसमें नाकाम रहते हैं। इस नाकामपंथी मॉडल ने दिल्ली में न सिर्फ अराजकता फैलाई बल्कि देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। भाइयों और बहनों, इन नाकामपंथियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को नाकाम करने का पाप किया है। देश के सामान्य मानवी की छवि को, आम आदमी की छवि को इन नाकाम पंथियों ने बदनाम करके रख दिया है। करोड़ों युवाओं के विश्वास और भरोसे को इन नाकाम पंथियों ने चकनाचूर कर दिया है। इतना ही नहीं, इन्होंने देश में नई राजनीति के प्रयासों को भी नाकाम किया है। ये लोग देश बदलने आए थे लेकिन खुद ही बदल गए। ये लोग नई व्यवस्था देने आए थे लेकिन खुद ही अव्यवस्था, अराजकता का दूसरा नाम बन गए। इन लोगों ने पहले
हर किसी को अनाप शनाप कहा और फिर घुटनों के बल चलकर माफी मांग ली। इन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए हर बात से यू टर्न लेने का काम किया। देश की हर संवैधानिक संस्था, हर पद, हर व्यक्ति को गालियां देकर इन्होंने अपने संस्कार, एक प्रकार से कुसंस्कार प्रकट किए। इन्होंने अपनी हर नाकामी का ठिकरा दूसरे पर फोड़ने का काम किया। यही नहीं, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में जाके खड़े हो गए। पंजाब में देश के विरोधियों और खालिस्तान समर्थकों को इन्होंने ताकत दी। यहां तक कि विदेश जाकर देश विरोधी ताकतों से भी संपर्क करने, संपर्क रखने में इन्होंने कोई संकोच नहीं किया। साथियों, ये इतनी नेगेटिविटी से भरे हुए लोग हैं कि गरीबों के जुड़ी योजनाओं के सामने भी ये नाकामपंथी दीवार बन करके खड़े हो गए हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। साथियों, दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार दोनों प्रकार के अस्पताल है। जो केंद्र सरकार के अस्पताल है वहां आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को हर साल 5 लाख रुपए का इलाज सुनिश्चित हुआ है, लेकिन ये सुविधा राज्य सरकार के अस्पताल में गरीबों को नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में नाकामपंथी राज्य सरकार के तहत आने वाले अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया गया। इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति के लिए गरीब के जीवन से खिलवाड़ करने का काम किया है। भाइयों और बहनों, पूरे देश में सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए 10% आरक्षण लागू हो चुका है, लेकिन दिल्ली में गरीब बच्चों को ये सुविधा भी नहीं मिल रही है।